नाबालिग से रेप और लैंगिक अपराध के 3 साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट क्रम संख्या 3 ने पुत्र और पिता को 20-20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी पीड़िता के रिश्ते में ममेरा भाई और मामा लगते हैं। वहीं पीड़िता के मेडिकल करने वाला डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान पर विधि संगत कार्रवाई के लिए निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर को निर्णय की प्रति भेजने के निर्देश दिए। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 3 फरवरी 2019 को बूढ़ादीत थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि 13 जनवरी को उसकी छोटी बेटी घर पर अकेली थी। आरोपी युवक उसे बहला फुसला कर भगा कर ले गया था। मैं थाना बूढ़ादीत में पीड़िता के पिता द्वारा एक रिपोर्ट कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री घर पर थी 13-13 साल की, और माँ उसकी आटा पिसाने गई थी, तो आके देखा तो पुत्री घर पर नहीं मिली। सीताजी की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट कराई, जिस पर लड़की को दस्तयाब करने पर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में जो चालान पेश किया गया वो धारा 363, 366, 376(2)(5)(6) पोस्टपैक्ट के तहत किया गया, जिसमें न्यायालय में ट्रायल के दौरान 13 गवाह और 35 दस्तावेजों को परीक्षित किया गया, जिसमें न्यायालय ने संपूर्ण ट्रायल करने के पश्चात मुलजिमानों को 20 साल का कठोर कारावास और 30,000 रुपये की जुर्माना